पूरे देश में लोगों ने रविवार शाम को घंटी, थाली और ताली बजाकर चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे हैं। हर तरफ ताली, थाली, घंटी और शंख की आवाज गूंज रही थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने इसके जरिए आवश्यक कार्यों में लगे लोगों के प्रति अपना आभार जताया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा, कोरोना वायरस संकट के बावजूद देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं सेवाएं सुनिश्चित करने वाले सुरक्षा कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं अन्य सभी राष्ट्र रक्षकों का अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव के बीच अपनी सेहत की परवाह न करते हुए आम जनमानस की सेवा में संलग्न चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों के प्रति आभार ज्ञापन स्वरूप शाम 5 बजे झंडनाथ किया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान का समर्थन करते हुए डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए 5 बजते ही देश भर के लोग अपने बालकनी, लॉन और छतों पर बाहर निकल आए और तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंज रहा। इसी कड़ी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव के बीच आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों का आभार व्यक्त करने के लिए पीएम मोदी द्वारा बुलाए गए अभ्यास में भाग लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने आवास पर घंटियां बजाई। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने भी थाली बजाकर कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे योद्धाओं के प्रति आभार जताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ताली बजाकर उन लोगों का धन्यवाद किया जो कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते प्रदेश को आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड स्टार भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी जवानों और डॉक्टरों का हौसला बढ़ाते हुए तालियों से उनका आभार जताया, जिसका एक वीडियो खुद अक्षय कुमार ने अपने सोशल अकाउंट से शेयर करते हुए लोगों का धन्यवाद किया है।